हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करें बच्चों। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, और इसके अंदर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक। तो आप मुझे बताएं पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था बेटा? जी, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन तक हुआ था। तो बच्चों अगली जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे कोर्स में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में उसको निकाल दिया है, और उसका नाम है लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन। तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन हम आपको नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन हमारे मॉडर्न, हमारा जो रिड्यूस सिलेबस है बेटा, उसमें ये क्लासिफिकेशन निकाल दी है। इसी तरह बच्चों चौथी क्लासिफिकेशन है मेंडलीव क्लासिफिकेशन, प्यारे बच्चों ये भी हमारे रिड्यूस सिलेबस में मौजूद नहीं है। लेकिन बच्चों ये क्लासिफिकेशन इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ी तो जो अगला टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही की से ही निकाला गया है। तो आइए बच्चों मेंडलीव क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाते हैं। बच्चों मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था, इसका पूरा नाम था डिमिट्री आइवोनोविच मेंडलीव। अरे बच्चों ये रशियन केमिस्ट था और ये रशियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। अरे बच्चों मेंडलीव के जमाने में 63 एलिमेंट्स मौजूद थे। बच्चों मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन की बुनियाद केमिकल प्रॉपर्टीज पे रखी। बच्चों मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एटॉमिक वेट्स को बुनियाद बनाया, और एटॉमिक वेट की इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू किया। तरह बच्चों ये हुआ कि वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी वो वर्टिकल कॉलम्स में एक के नीचे एक आ गई, दूसरे अल्फाज में वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो एक खास इंटरवेल के बाद अपने आप को रिपीट करने लगी एटॉमिक वेट के लिहाज से। प्यारे बच्चों इस तमाम बात को उसने एक लॉ की शक्ल में पेश किया और उस लॉ को कहते हैं पीरियोडिक लॉ। बच्चों पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट सुनिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। बच्चों इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब यह है कि एलिमेंट्स को जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के लिहाज से हॉरिजॉन्टल रोज में प्लेस करते हैं तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट के लिहाज से रिपीट होती हैं। यानी एक खास गैप के बाद, एटॉमिक वेट के खास गैप के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। बच्चों इस रिपीटिशन को हम आगे चल के पीरियोडिसिटी कहेंगे, लेकिन बच्चों इस रिपीटिशन को मेंडलीव ने कहा पीरियोडिक लॉ, क्योंकि हर साइंसदान पीरियोडिसिटी को उस जमाने में अलग नाम दे रहा था। अब्दुल रजाक आपका यहाँ पे स्क्रीन पे नाम आया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। बच्चों मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, अब बच्चों हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मेरिट्स एंड फीचर्स ऑफ मेंडलीव टेबल। जो मेंडलीव टेबल दूसरे टेबल की बनिस्बत ज्यादा बेटर था, और उसमें वो तमाम मिस्टेक्स नहीं थी जो कि पुराने टेबल्स में थी। बच्चों मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था उसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। बच्चों वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। मेंडलीव के टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसको उसने रोमन नंबर से जाहिर किया था, फ्रॉम 1 to 8।
और बच्चों ग्रुप में एक जैसे एलिमेंट्स थे, लेकिन बच्चों मेंडलीव के टेबल में 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी। बच्चों इन रोज को मेंडलीव ने सीरीज या पीरियड्स कहा। ये हॉरिजॉन्टल रोज जो थी वो सीरीज या पीरियड्स कहलाती थी, और इसके अंदर बच्चों डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद थे। बच्चों ग्रुप नंबर एलिमेंट की हाईएस्ट वैलेंसी को जाहिर करता था। बच्चों मेंडलीव टेबल में क्या क्या हमें एडवांटेजेस नजर आई वो आपको पढ़ा रहे हैं। बच्चों मेंडलीव ने तमाम एलिमेंट की स्टडी को सिस्टमैटिक बना दिया। तो पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे स्पेशल एम्फेसिस ऑन केमिकल सिमिलैरिटीज। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स, और चौथा पॉइंट पढ़ेंगे वैकेंट स्पेसेस एंड प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जी जनाब, यहां तक कोई सवाल आपने पूछना है? एनी क्वेश्चन? स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन? बेटा समझ में आ रहा है सबको? युसरा तनवीर बेटा क्या मसला है आपको बेटा बताइए, आप अभी आई हैं? युसरा तनवीर बेटा आप क्या मजाक कर रही है, कभी आप नो कह रही है कभी यस कह रही है, बताइए आपको समझ आ रहा है बेटा? चले बच्चों फिर मैं आपको मेंडलीव टेबल के मेरिट्स पढ़ाता हूँ। यार बच्चों पहला पॉइंट आपको पढ़ के बताते हैं और समझाते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने बच्चों एलिमेंट की स्टडी को बहुत ही सिस्टमैटिक और सिंपल बना दिया था। यार को गया बेटा, वीडियो में दोबारा देख लीजिएगा, मैं अभी तो ये सारा टॉपिक पढ़ा के आया हूँ बेटा, आपने लेट ज्वाइन करा है कुगैब। कुगैब आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? तो बेटा इसको फिर वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। बच्चों मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का पहला इंपॉर्टेंट मेरिट ये है कि मेंडलीव ने तमाम एलिमेंट की स्टडी को सिंपल और सिस्टमेटिक बना दिया था। बच्चों मेंडलीव के टेबल में 8 ग्रुप्स थे, और बच्चों हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं। तो बच्चों अगर हम उस ग्रुप में कोई एक एलिमेंट स्टडी कर लें तो इसका मतलब है कि हमने वो पूरा ग्रुप स्टडी कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जो स्टडी है वो 8 ग्रुप्स तक रेस्ट्रिक्टेड हो गई, एक ग्रुप तक रिड्यूस हो गई। यानी हमें तमाम ग्रुप्स को, तमाम एलिमेंट को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हम हर ग्रुप में एक एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं उस ग्रुप का। तो इसका मतलब है हमने वो पूरा ग्रुप स्टडी कर लिया, क्योंकि एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है। मिसाल के तौर पर अगर हम सोडियम मेटल स्टडी कर लें, सोडियम मेटल अगर हम स्टडी कर लें, सोडियम मेटल हम स्टडी कर ले, तो इसका मतलब यह है कि हम उस ग्रुप के बाकी दूसरे एलिमेंट मसलन पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह की प्रॉपर्टीज आसानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रॉपर्टीज सोडियम की होंगी बच्चों
वही प्रॉपर्टीज उसके उस ग्रुप में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स की होगी। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जी स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट समझ में आ गया? जी स्टूडेंट्स, जी बेटा अब दूसरा पॉइंट आपको पढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे पॉइंट की हेडिंग हमने बनाई है स्पेशल इम्फेसिस ऑन केमिकल सिमिलैरिटीज। प्यारे बच्चों, इम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, यानी बच्चों मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में केमिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा जोर दिया। प्यारे बच्चों, मेंडलीव और मेंडलीव से पहले जितने भी साइंसदान थे बच्चों, वो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के लिहाज से एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे थे। यानी पहले वो एलिमेंट प्लेस किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट कम होता था, और फिर उसके बाद वो एलिमेंट प्लेस करते थे जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता था। लेकिन बच्चों, मेंडलीव ने एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड मानने से इनकार कर दिया और उसने अपने टेबल को केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से अरेंज किया, जिसके नतीजे में उसके टेबल में कुछ ऐसी गलतियां आ गईं जो कि दूसरे टेबल में वो तो नहीं थी, लेकिन उसके टेबल में इस गलती के आने की वजह से पीरियोडिक टेबल जो है उसमें पीरियोडिसिटी बहुत अच्छी हो गई। मिसाल के तौर पर बच्चों, मेंडलीव के टेबल में आर्गन प्रीसीड्स पोटाशियम। बच्चों, आर्गन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट होता है 40 और पोटाशियम बच्चों एटॉमिक वेट उसका होता है 39। बच्चों, मेंडलीव के टेबल में आर्गन को पहले रख दिया गया पोटाशियम से, जिसका एटॉमिक वेट 39 था। हालांकि उसूलन पोटाशियम को पहले रखना चाहिए था, आर्गन को बाद में रखना चाहिए था, लेकिन बच्चों इस प्लेसमेंट से, इस गलत प्लेसमेंट से ये हुआ कि पोटाशियम ग्रुप वन में आ गया, और ग्रुप वन में बच्चों जो एलिमेंट्स थे पोटाशियम की प्रॉपर्टीज उनसे मैच कर रही थी। इस तरह बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रखने की खातिर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ 3-4 जगह पे वायलेट किया, ब्रेक किया। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आ रही है? जी बेटा, अगला पॉइंट आपको बताते हैं, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। बच्चों, मेंडलीव के जमाने में कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट सही तरह कैलकुलेट नहीं किया गया था। तो मेंडलीव का ख्याल ये था कि उसके जमाने में बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट मशकूक है और सही नहीं है। बच्चों, मेंडलीव ने मुख्तलिफ फार्मूलों के जरिए, मुख्तलिफ टेक्निक के जरिए बहुत सारे एलिमेंट्स का डाउटफुल एटॉमिक वेट करेक्ट किया, जिसके नतीजे में उनको प्रॉपर प्लेस उसके टेबल में मिला। मिसाल के तौर पर बच्चों, उस जमाने में बेरिलियम का एटॉमिक वेट था 13.5। मेंडलीव ने इसको 13.5 से करेक्ट करके 9 कर दिया। और बच्चों, आज भी बेरिलियम का एटॉमिक वेट 9 ही है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों, मेंडलीव ने उस जमाने में बहुत सारे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट सही तौर पर निकाला नहीं गया था, मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट मुख्तलिफ टेक्निक और फार्मूलों के जरिए निकाला, और उस एटॉमिक वेट के लिहाज से मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स को अपने टेबल में प्रॉपर प्लेस असाइन किया। मिसाल के तौर पर बच्चों, एटॉमिक वेट बेरिलियम का निकाला गया उस जमाने में, उस जमाने में एटॉमिक वेट बेरिलियम का था 13.5। मेंडलीव ने इसको करेक्ट किया और इसको 9 निकाल के दिया, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। इज इट क्लियर टू यू? जी स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है बेटा?
ओके बेटा, तो फिर अगला और आखिरी पॉइंट आपको पढ़ाते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका नाम है वेकेंट स्पेसेस एंड प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। बच्चों वेकेंट माने एम्प्टी, यानी खाली जगहें, एंड प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। बच्चों मेंडलीव ने अपने टेबल में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ दी थी, उसने न्यू एलिमेंट्स के लिए जो जमाने में डिस्कवर नहीं हुए थे वेकेंट स्पेस छोड़ दिया था। और बच्चों उसने उसने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट वगैरह प्रिडिक्ट किए थे। बच्चों ये काम किसी ने भी नहीं किया था, कोई भी साइंसदान ऐसा नहीं था जिसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए अपने टेबल में जगह छोड़ी हो। मेंडलीव ने चार जगहें छोड़ी थी और उन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट उसने प्रिडिक्ट किए थे 44, 68, 72 और 100। और ये जगहें उसने छोड़ी थी ग्रुप थ्री में और ग्रुप फोर में। और बच्चों उसने इन तीनों एलिमेंट्स को नाम भी दिए थे। मिसाल के तौर पर ग्रुप थ्री में जो जगह छोड़ी थी उस एलिमेंट को नाम दिया था इका बोरोन, इका एल्युमिनियम। और ग्रुप फोर में जो एलिमेंट जगह छोड़ी थी उसको नाम दिया था इका सिलिकॉन। और ये बच्चों उसने मेंडलीव ने ये जगह छोड़ी थी अननोन एलिमेंट्स के लिए बोरोन के बाद, एल्युमिनियम के बाद और सिलिकॉन के बाद। बच्चों इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए मेंडलीव ने तीन अननोन एलिमेंट्स के बारे में बिल्कुल सही पेशन गोई करी। और बच्चों ये तीनों एलिमेंट 1886 तक डिस्कवर हो गए, और बच्चों मेंडलीव के जमाने में ही डिस्कवर हो गए। मेंडलीव का इंतकाल हुआ था 1907 में। और बच्चों ये तीनों एलिमेंट जो डिस्कवर हुए इनके नाम है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। और मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स के बारे में जो प्रिडिक्शन करी थी बच्चों वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। बच्चों ये मैं मेंडलीव का टेबल आपको दिखाता हूँ, देखिए आपके सामने ये मेंडलीव का टेबल है, गौर से देखिएगा। ये बच्चों मेंडलीव के टेबल में आप देखें टोटल 8 ग्रुप्स है जिसको रोमन नंबर से जाहिर किया गया है। और बच्चों मेंडलीव के टेबल में आप देखें टोटल 12 रोज है। मेंडलीव डाइड बेटा 1907 में, मेंडलीव का इंतकाल हुआ था 1907। तो बच्चों ये टेबल आप देखिए, गौर से देखिए। और इस टेबल में बच्चों आप ग्रुप थ्री में आइए, और ग्रुप थ्री में आप देखिए बच्चों ये एलिमेंट्स है बोरोन और ये एलिमेंट है एल्युमिनियम। बच्चों बोरोन के नीचे एक जगह खाली छोड़ी हुई है और एक जगह एल्युमिनियम के नीचे खाली छोड़ी है। तो बच्चों बोरोन के नीचे जो जगह खाली छोड़ी है उस एलिमेंट को नाम दिया है इका, इका बोरोन। और जो जगह एल्युमिनियम के नीचे खाली छोड़ी है उसको नाम दिया इका एल्युमिनियम। और बच्चों इनका एटॉमिक वेट 44 और 68 उसने प्रेडिक्ट किया है। बच्चों दूसरी जगह जो खाली छोड़ी है उसने वो ग्रुप फोर में छोड़ी है सिलिकॉन के नीचे, और बच्चों इस एलिमेंट को नाम दिया उसने एका सिलिकॉन। ये तीनों एलिमेंट मेंडलीव की जिंदगी में डिस्कवर हो गए। इका बोरोन की जगह बच्चों डिस्कवर हुआ स्कैंडियम, इका एल्युमिनियम की जगह डिस्कवर हुआ आपका जनाब गैलियम, और इका सिलिकॉन की जगह डिस्कवर हुआ जर्मेनियम। और मेंडलीव ने जो इनके बारे में पेशेंट गोई करी थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें पीरियोडिक टेबल का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको कहीं से मिलेगा नहीं। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है जो 1872 में मेंडलीव ने पब्लिश किया था, क्योंकि 1869 में मेंडलीव बीमार पड़ गया था। ये थे बच्चों मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स। अब हम आपको पढ़ाएंगे इसकी डीमेरिट्स। ये
जी जनाब, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ लीजिए बेटा। शाबाश, एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क, एनी पॉइंट इज अनक्लियर प्लीज आस्क, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल रिपीट द टॉपिक। यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? कुछ आगे चले स्टूडेंट्स, आप लोग कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, फौरन रिप्लाई क्या करें? तो बच्चों, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिफेक्ट्स और डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट्स और डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। बच्चों, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल हालांकि बहुत ज्यादा मेरिट था उसका, बहुत ज्यादा एडवांटेजियस पीरियोडिक टेबल था, लेकिन फिर भी बच्चों उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स थी। तो बच्चों, पहली नागामी मेंडेलीव टेबल को क्या हुई, वो थी फेलियर टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि बच्चों मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट की बुनियाद पर बनाया गया था, और एटॉमिक वेट का एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं होता। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ताल्लुक तो एटॉमिक नंबर से होता है, और बच्चों एटॉमिक नंबर उस जमाने में डिस्कवर ही नहीं हुआ था। एटॉमिक नंबर तो डिस्कवर हुआ 1914 में। दूसरा पॉइंट, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। बच्चों, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के लिहाज से बना था, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। तो बच्चों, एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप को मेंडेलीव को अपने टेबल में प्लेस करना चाहिए था, लेकिन मेंडेलीव ने बच्चों सिर्फ एक आइसोटोप एलिमेंट का अपने टेबल में प्लेस किया, हैवीएस्ट आइसोटोप या स्टेबल आइसोटोप उसने अपने टेबल में प्लेस किया। तो बच्चों, ये उसके टेबल की नाकामी है कि वो तमाम आइसोटोप को प्लेस नहीं कर सका। तीसरे बच्चों प्रॉब्लम मेंडेलीव टेबल में थी एनोमेलस पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों, एनोमेलस का मतलब होता है इरेगुलर, यानी बेकायदा। जो हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडेलीव के टेबल में सही नहीं थी, क्योंकि बच्चों मेंडेलीव ने हाइड्रोजन को ग्रुप वन में रखा था। बच्चों, ग्रुप वन में हाइड्रोजन मिसफिट थी, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन गैस है और ग्रुप वन में तमाम एलिमेंट सॉलिड से। चौथी बात बच्चों, फेलियर टू प्लेस रेयर अर्थ इन द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। प्यारे बच्चों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, इनको कहते, ये दो टाइप के होते हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। प्यारे बच्चों, मेंडेलीव ने अपने टेबल में रेयर अर्थ को एक साइड पर ग्रुप एट में प्लेस किया, इस तरह मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल में उनको प्लेस नहीं कर सका। पांचवी बात, ग्रुप नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट वैलेंसी। प्यारे बच्चों, ग्रुप नंबर मेंडेलीव के टेबल में वैलेंसी को जाहिर नहीं करता, बल्कि ग्रुप नंबर हाईएस्ट वैलेंसी को जाहिर करता है। छठा पॉइंट, निगलेक्शन ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। प्यारे बच्चों, मेंडेलीव टेबल में वेरिएबल वैलेंसी को नजरअंदाज कर दिया गया। बच्चों, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, बच्चों इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। और बच्चों, सातवां और आखिरी पॉइंट है एनोमेलस और मिसफिट पेयर ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों, मेंडेलीव के टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स के मिसफिट पेयर्स थे, बहुत सारे मिसफिट पेयर थे या एनोमेलस पेयर थे। मतलब इसका मतलब क्या है बच्चों, मिसफिट पेयर का? मिसफिट पेयर का मतलब है कि वो पेयर्स, वो एलिमेंट्स के जो आपस में मैच नहीं कर रहे और उनको एक जगह पे रखा हुआ है ग्रुप के अंदर। हालांकि ग्रुप में वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि फिट हो, जो कि एक दूसरे से मैच कर रहे हो। तो बच्चों, क्या हुई वो मिसफिट पेयर, क्या हुआ वो मिसफिट पेयर, देखिए सुनिए गौर से। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में अपना ही पीरियोडिक लॉ ब्रेक किया था। तो बच्चों, एलिमेंट्स को प्रॉपर ग्रुप्स में रखने के लिए मेंडेलीव ने वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा था उनको
पहले रख दिया बनिस्बत उन एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक वेट कम था, जो कि बच्चों मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के अगेंस्ट था। इसी तरह बच्चों बहुत सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, मेंडेलीव ने उनको एक जगह पे रख दिया। मसलन बच्चों अल्कली मेटल्स को और क्वाइनेज मेटल्स को एक साथ रख दिया गया। बच्चों अल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं? बच्चों अल्कली मेटल्स होती हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये बच्चों अल्कली मेटल्स कहलाती हैं। प्यारे बच्चों अल्कली मेटल्स वो होती हैं जो कि पानी के साथ, पानी में डिजोल्व होकर अल्कली बनाती हैं, यानी वाटर सोलेबल बेस बनाती हैं। बच्चों क्वाइनेज मेटल्स वो होती हैं जो कि क्वाइंस बनाने के लिए, सिक्का बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बच्चों तीन मेटल्स को क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, प्यारे बच्चों ये कहलाती है क्वाइनेज मेटल्स। बच्चों मेंडेलीव ने क्या करा कि ये मेटल्स यानी अल्कली मेटल्स और क्वाइनेज मेटल्स इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इनको एक जगह कर दिया गया, एक ही ग्रुप में रख दिया इनको, ग्रुप वन में। इसी तरह बच्चों मैगनीज एक एलिमेंट है, मैगनीज एटॉमिक नंबर 25 होता है इसका। प्यारे बच्चों इसको ग्रुप 7 में हेलोजिन्स के साथ रख दिया। हालांकि बच्चों मैगनीज मेटल है और हेलोजिन्स नॉन मेटल्स है, दोनों की प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं करती है। इसी तरह बच्चों बहुत सारे सिमिलर पेयर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप में रख दिए गए, यानी वो एलिमेंट जो एक जैसी प्रॉपर्टीज के थे उनको आपने अलग ग्रुप में रख दिया। मसलन बेरियम और लेड, बच्चों बेरियम और लेड की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, लेकिन बच्चों बेरियम को ग्रुप 2 में और लेड को ग्रुप 4 में रख दिया गया। इस तरह बच्चों मेंडेलीव के टेबल में बहुत सारे एनोमेलस पेयर्स जो हैं वो पैदा हो गए। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? तो बच्चों यहां पर हमारे मेरिट्स और डिमेरिट्स खत्म हुई। नाउ बच्चों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तीन लोगों ने मिलकर बनाया था, लेकिन उसमें बोहर का नाम सबसे नुमाया है और उसी के नाम पर बच्चों इसको कहते हैं बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। प्यारे बच्चों ये टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें बेहतरीन क्लियर पीरियोडिसिटी जो है वो एलिमेंट्स की हमें देखने को मिलेगी। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बना। बच्चों अभी हमने आपको बताया मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो है उसमें बहुत सारी हमें डिफेक्ट्स नजर आए। हमने देखा कि मेंडेलीव के टेबल में कुछ सीरियस किस्म के डिफेक्ट्स थे। पापा जो जिसके कि मेंडेलीव टेबल में बहुत सारी मेरिट्स थी, लेकिन बच्चों उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स भी थे। प्यारे बच्चों 1914 में एक ब्रिटिश फिजिस्ट जिसका नाम था हेनरी मोसले, उसने एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी करी। और बच्चों उस रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी के दौरान एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ। बच्चों इस डिस्कवरी से ये बात साबित हुई कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का ताल्लुक एटॉमिक नंबर से होता है। और बच्चों फिर उसी जमाने में एटॉमिक नंबर को एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी करार दिया गया, यानी एटम की तमाम प्रॉपर्टीज का ताल्लुक एटॉमिक नंबर से होता है। बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के नतीजे में बनाया गया।
अच्छा, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बोहर, वर्नर और बरी ने, ये तीन साइंसदान हैं, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया और इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, जो कि एटॉमिक वेट की बुनियाद पर बनाया गया था, एटॉमिक वेट की बुनियाद पर बनाया गया था, उसको एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर चेंज किया। तो बच्चों यहां पर उसने क्या चेंज किया, बच्चों सुने, पीरियोडिक लॉ सुने बच्चों, पूरा वही स्टेटमेंट है जो मेंडलीव का है, एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा बस खाली। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के लिहाज से पीरियोडिकली चेंज होती हैं। यानी जब एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट को प्लेस करेंगे तो एलिमेंट एटॉमिक नंबर के खास गैप के साथ, खास गैप के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे, एंड दिस रिपीटिशन इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये कॉपी करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट इसका स्क्रीन शॉट ले लें। तो जनाब यहीं तक आज की हम क्लास रखेंगे, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके आगे से आपको पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास वाइंड अप हो रही है, टाइम इज ओवर, अल्लाह हाफिज़।